अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे टॉपिक का नाम है डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी, यानी कि अगर किसी पर्सन को एलर्जी हो गई है तो उसकी तशखीस कैसे की जाती है, यानी कैसे पता लगाया जाता है कि इस बंदे को एलर्जी है। तो फर्स्ट नंबर पे कहता है मेडिकल केस हिस्ट्री, द बैकबोन ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस इंक्लूडेड फॉलोइंग लाइंस। तो कहता है कि नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिनके ज़रिए हम जो है ना वो डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे कहता है जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में उसकी एज वगैरह पूछी जाती है, उसके एनवायरनमेंट पूछा जाता है। तो कहता है कि एज, यानी कि जिस पर्सन को एलर्जी है उसकी एज कितनी है, सेक्स फीमेल है या मेल है। उसके बाद आ जाता है एनवायरनमेंट, यानी कि माहौल कहता है कैसा है। उसके बाद वर्क, यानी कि वो काम कैसा करता है, किसी फैक्ट्री वगैरह में है या खेतीबाड़ी वगैरह करता है, लाइव वगैरह वगैरह। उसके बाद आ जाता है विचुअल साइंस बाय यूजिंग फॉलोइंग टू टूल्स। कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके ज़रिए हम एलर्जी टेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है बीपी, टेम्परेचर, ब्रीथिंग रेट, पल्स रेट, कार्डियक रेट, हार्ट रेट वगैरह, यानी कि ब्लड चेक के ज़रिए भी हम पता लगा सकते हैं टेम्परेचर कितना है। ये सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए जो है ना वो टेस्ट कर सकते हैं हम। उसके बाद आ जाता है एलर्जी टेस्टिंग। इसमें दोस्तों कुछ टेस्टों के ज़रिए भी हम जो है ना वो एलर्जी का पता लगा सकते हैं। तो कहता है हाउ अ पर्सन रिएक्ट्स टू स्पेसिफिक एलर्जी। कहता है कि अगर किसी पर्सन को, किसी बंदे को एलर्जी हो गई है, यानी कि स्पेसिफिक एलर्जी, यानी कि पोलन वगैरह से या डस्ट से या फूड वगैरह से, तो टेस्ट किया जाए तो अगर तो पॉजिटिव आए, एलर्जी के साइन जो है ना वो पॉजिटिव आए, तो इससे हम पता चल सकता है कि बंदा जो है ना वो एलर्जी का है। टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं, स्किन टेस्ट किया जाता है, ब्लड के ज़रिए भी हम एलर्जी का पता लगा सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है स्किन टेस्ट, स्क्रैच टेस्ट, स्किन प्रिक टेस्ट, पैच टेस्ट, इंट्राडर्मल टेस्ट। दूसरे नंबर पे आ जाता है ब्लड टेस्टिंग और लास्ट एलिसा। अब हम फ्रेंड्स इनको जो है ना वो बारी बारी डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास सबसे पहले जो आते हैं वो है स्किन टेस्ट में आते हैं स्क्रैच टेस्ट और स्किन प्रिक टेस्ट। इस तरीके में हम थोड़ा सा फ्रेंड्स हम अपनी स्किन को किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं या पंक्चर कर लेते हैं। तो कहता है कि एलर्जी बिगन्स विद प्रिक पंक्चर और स्क्रैच टेस्ट। तो टेस्टिंग बिगन्स टेस्ट जब हम स्टार्ट करते हैं को तो स्किन को थोड़ा सा पंक्चर कर लेते हैं और ये स्क्रैच थोड़ा सा रगड़ लेते हैं। ड्रॉप ऑफ एलर्जन ऑन द स्किन उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारे पास है एक, ये फर्ज करें ये स्किन है, ये स्टेरिल नीडल है और ये इसके ऊपर हमने स्किन को थोड़ा स्क्रैच करके इसके ऊपर डोप गिराया है। 15 मिनट के बाद ये हमारे पास रिज़ल्ट आया है, ये स्किन के ऊपर स्वेलिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स इसके ज़रिए हम जो है ना वो एलर्जी टेस्ट कर सकते हैं स्किन के ऊपर। उसके बाद हमारे पास स्किन टेस्ट की दूसरी टाइप आ जाती है, वो है पैच टेस्ट और कॉन्टैक्ट एलर्जी टेस्ट, यानी कि हम एलर्जी को स्किन के ऊपर किसी किस्म का पैच लगा देते हैं और उसके ज़रिए हम पता लगाते हैं कि पर्सन को किस किस्म की एलर्जी है। तो कहता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट अप्लाई पैच टेस्ट इन पेशेंट विदाउट डर्मेटाइटिस, यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट जो है ना वो पैच टेस्ट अप्लाई करते हैं इन पेशेंट, यानी कि जिस पर्सन को एलर्जी है उसकी स्किन के ऊपर एक किस्म का पैच लगाते हैं टेप के जैसा बना होता है और उसके बाद उनको स्किन के ऊपर जो है ना वो कंडीशंस फाइंड होती हैं कॉज बाय कॉन्टैक्ट एलर्जन, उसको हम कॉन्टैक्ट एलर्जन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे जो स्किन का एलर्जी टेस्ट आता है वो इंट्राडर्मल टेस्ट है।
इंटरडर्मल टेस्ट में फ्रेंड्स हम किसी कोई ईथर एसीटोन वगैरह या अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसके ज़रिए हम अपनी स्किन को जो ना वो थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, यानी कि उसके ऊपर किसी किस्म का भी एलर्जन मौजूद ना हो, उसको एलर्जन को रिमूव कर देते हैं। उसके लिए इंट्राडर्मल टेस्ट के लिए जो हम नीडल इस्तेमाल करते हैं उसके साइज़ तकरीबन 0.1 लीटर होता है, 1 ml होता है, 0.1 ml सॉल्यूशन जो ना वो इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्ट इनटू दी डर्मस, डर्मस और एपिडर्मस। डर्मस या एपिडर्मस में हम 0.1 ml सॉल्यूशन जो ना वो लगाते हैं और उसके बाद हमारे पास जो टेस्ट आता है अगर तो वो पॉजिटिव हो तो फिर हम कहते हैं कि पार्टिकल एलर्जन, यानी कि एलर्जन के जो है ना वो पार्टिकल हमारे बॉडी में है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्लड टेस्टिंग। ब्लड टेस्टिंग में हम लेबॉरेटरी में दो तरह के टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आता है हमारे पास रास्ट और दूसरे नंबर पर आता है एलिसा। ये दोनों ही लेबॉरेटरी के टेस्ट हैं, अब हम इनको बारी बारी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है रास्ट। रास्ट में हम फ्रेंड्स पर्सन के एलर्जी पर्सन है उसके हम ब्लड का सैंपल लेते हैं, उसके बाद हम चंद मिनट के लिए हम उसका वेट करते हैं और बाद में उसका टेस्ट कर लेते हैं। रास्ट में अपने एक्चुअली हम मेजर करते हैं कि हमारे जो हमारा ब्लड है उसमें एलर्जी की एंटीबॉडीज़ कितने मकदार में, कितने परसेंट जो है ना, कितना लेवल है हमारी बॉडी में एलर्जी का, तब हम इसको देख लेते हैं। तो कहता है कि रेडियो एलर्जो सोर्बन टेस्टिंग रास्ट, यानी कि रास्ट जो हो गया ना वो रेडियो ये शुआएँ होती हैं, एलर्जो सोर्बन टेस्टिंग यानी कि हमारी बॉडी में किस कितने लेवल में जो ना वो एलर्जी की एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। ये वो कह रहा है कि स्पेसिफिक एलर्जिक एंटीबॉडीज़ मैयर जिना पर्सन ब्लड, यानी कि जो पर्सन है जो एलर्जी से एलर्जी का है जो पर्सन उसमें एंटीबॉडीज़ जो है वो कितनी मकदार में है। अगे डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ फूड एलर्जीज़। फूड एलर्जी इसमें हम बीमारी की तशखीस करते हैं और इसके इलाज करते हैं, इलाज करते हैं कि कैसे फूड एलर्जी से जो है वो बचाव किया जा सकता है। तो कहता है कि अगर तो उसमें एंटीबॉडीज पाई जाएँ तो कहता है कि पर्सन इज़ ट्रूली एलर्जी, तो कहता है फिर तो वो पर्सन जो है ना वो एलर्जिक होता है। रास्ट एक्चुअली मेजर दी अमाउंट ऑफ एलर्जिक एंटीबॉडीज़ टू दी फूड, ये सबसे अहम पॉइंट है। तो इसमें वो कहता है कि रास्ट एक्चुअली मेजर दी अमाउंट ऑफ एलर्जिक एंटीबॉडीज़ टू दी फूड, यानी कि जो हमारे खुराक खाई है वो खुराक हमारे ब्लड में पहुँची है। रास्ट जो है ना वो एक्चुअली मेजर्स करता है हमारी फूड में जो है ना वो एंटीबॉडीज़ कितनी मकदार में जो है ना वो प्रोड्यूस हुई हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया था रास्ट के बाद हमारे ब्लड टेस्ट में हमारे पास सेकंड नंबर पे जो आता है वो है एलिसा। एलिसा एक लेबॉरेटरी में होने वाला बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है, ये बेसिकली क्वान्टिटेटिव इन नेचर है। इसके अंदर माइक्रोटेटर प्लेट्स मौजूद होते हैं, तो ये हमारे पास एक स्लाइड है और ये इसके अंदर सिंगल होल्स हैं। सिंगल होल के अंदर एंटीजन जो ना वो प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद हम इसके में कलर ऐड करते हैं जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं, ये एंटीबॉडीज़ एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी और कलर डिवेलप हो जाएगा हमारे पास। तो इसको हम डिटेल में इसको हम स्टडी कर लेते हैं। तो कहता है कि इज़ आ बायोकेमिकल तकनीक, ये एक बायोकेमिकल तकनीक है जिसमें एन अननोन अमाउंट ऑफ एंटीजन इज़ फिक्स टू आ सरफेस, के बाहर से आए हुए जो है ना वो एंटीजन जो है ना वो इसके सरफेस के ऊपर फिक्स किए जाते हैं, देन अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी इज़ अप्लाइड ओवर द सरफेस। ये अननोन एंटीजन स्लाइड है, ये इस के ऊपर अननोन एंटीजन फिक्स होते हैं और इसके बाद हम इसके ऊपर अप्लाइड करते हैं स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी जो है इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। दिस एंटीजन इज लिंक्ड टू एंजाइम, ये एंटीबॉडी जो है वो इस एंजाइम के साथ लिंक्ड बना लेती हैं। इसके बाद फाइनल सब्सटेंसेस में हम इसमें अंदर एंजाइम कैन कन्वर्टेड डिटेक्टेबल सिग्नल्स,
इसके में हम सब्सटेंस ऐड करते हैं जो कि कन्वर्ट डिटेक्टेबल सिग्नल्स में जो है ना वो इनको कन्वर्ट कर देता है। इनके हमारे पास टेस्ट आ जाता है कि पर्सन जो है ना वो एलर्जी के, तो कहता है कि मोस्ट कॉमनली कलर चेंज इन केमिकल सब्सटेंसेस। इसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऐसे भी कहते हैं क्योंकि हम इसे में हमें कलर डिवेलप हो जाता है। ये जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इसमें जो है ना वो कलर चेंज हो जाता है। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।